जय श्री राम प्रेमी भक्तों, नाम जप का असर साधक के साथ कब तक रहता है? देखो भक्तों, पहले तो आप ये समझ लें कि नाम जप ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। यह समझना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए लिखा गया है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। जिसने नाम को नहीं जाना और नाम को जान करके अपने जीवन में नहीं उतारा, तो चाहे चारों वेदों का पढ़ने वाला हो, कंठस्थ किया हुआ हो, तो उसके लिए क्या कहा है, बिना नाम नरके पड़ा, यानी कि वह नरक में ही है, चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए भी। नाम की वो महिमा बताई है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नाम जप है क्या। वह नाम जो कण कण में विद्यमान है। इसके लिए भी संतों ने लिखा है कि जर्रे जर्रे के अंदर झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। परमात्मा कहाँ नहीं है, जर्रे जर्रे में बताया, कण कण में बताया, लेकिन लास्ट में कहा सूझ वाली आंख। बंधुओं, सूझ वाली आंख कौन सी होती है? सूझ वाली आंख वही दिव्य आंख होती है जिसके लिए हमारे संत महात्मा भक्त लोग कहते हैं कि शिव की तीसरी आंख। तीसरी आंख ही ज्ञान की आंख है। जिसको अंतर ज्ञान हो गया, समझ लो उसका तीसरा नेत्र खुल गया, और वह तीसरा नेत्र कब खुलेगा, जब हम उस नाम को निरंतरता से अपने जीवन में उतारेंगे। जिसके लिए कह दिया कि बिना नाम नरके पड़ा, उसको जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम नरक में ही हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता कि वो नाम है क्या। उसके लिए भी संतों ने इशारा किया कि वह नाम हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। बाहर ढूंढना भी हमारी समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया देखत ना। कस्तूरी का हिरण होता है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, वहाँ से खुशबू आ रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं है मेरे अंदर ही वह कस्तूरी है जिस जहाँ से खुशबू आ रही है। वो जंगल में सारा दिन भ्रमण करता है। अगर कोई उसको बता दे कि तेरे अंदर से ही खुशबू आ रही है, तो सारा दिन उसको भ्रमण करना नहीं पड़ेगा, उसको घूमना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें यह भी समझना होगा कि वो परमात्मा हमारे अंदर ही है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधा आवे हाथ, और वस्तु तभी लखाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब तक भेदी नहीं होगा, भेदी का मतलब है जो जानने वाला नहीं होगा, जानने वाला ही जनाएगा। इसलिए आप ऐसे गुरु की तलाश करें
जो परावाणी के बारे में जानता हो, जो परावाणी का जिसने अध्ययन किया हो, और परावाणी के बाद में उसने वह भी जान लिया हो कि परावाणी के अंदर ही वह नाम जप होता है, तो ऐसे गुरु से मिलेंगे तो आप उसको यह समझ लें कि वह परमात्मा की कृपा ही होगी, तो वह गुरु आपको उपदेश करेगा उस नाम का जो आदि है, अनादि है, अखंड है, अनंत है। और जब आप उसके साथ एकाकार हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बंधुओं, ये जब नाम जो इस तरह से आप जान लेंगे और करने लगेंगे तो उसका असर आपके इस लोक में नहीं पर लोक में भी रहेगा। ये नहीं है कि वह समाप्त हो जाएगा, वह हमेशा आपके साथ रहेगा, अनंत काल तक साथ रहेगा और वो बढ़ता ही रहेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि नाम जप का असर साधक के साथ कब तक रहता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।